नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 6 की। लेक्चर नंबर 5 तक आपने कंप्लीट कर लिया हो तो आगे देखें लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात की थी। अब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग उसी से मिलता जुलता है एक साइन गैल्वेनोमीटर, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, सो देख लीजिए। हमें जैसा कि पता होता है कि अगर स्मॉल डेविएशन एंगल थीटा हो तो वहां पे टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका टेंजेंट लॉ था, चूंकि ये भी टेंजेंट लॉ पे काम करता है और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी टेंजेंट लॉ पे काम कर रहा है, सो बी एक्सटर्नल बराबर बी एच टेन थीटा जहाँ पर आप लिखे थे अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ, वो अब वाला क्या हो जाएगा, बी एच साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, चूंकि टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा। तो बी एक्सटर्नल की जगह आपको बी एच साइन थीटा यूज कर देना है, और एक्सटर्नल जो आएगा वो तो उसी क्वाइल की वजह से आएगा, और क्वाइल की वजह से आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4π2πNI/R। यहाँ पे आप कैंसिल करते हैं तो नीचे में ये 2 बचता है और फिर ये बी एच साइन थीटा, तो यहाँ भी आई इक्वल टू आपका ये रिडक्शन फैक्टर हो जाएगा 2BHR अपॉन म्यू नॉट एन इंटू साइन थीटा, और यहाँ आई इक्वल टू के साइन थीटा। आप उसी तरह से इस के को आप रिडक्शन फैक्टर जो 2BHR अपॉन म्यू नॉट एन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी आप दो केस अगर लेंगे आई वन बाय आई टू तो साइन थीटा वन बाय साइन थीटा टू, यानी आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा होता था और साइन गैल्वेनोमीटर में आई प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो या फिर साइन गैल्वेनोमीटर, दोनों को आप यूज कर सकते हैं कहाँ पे, तो कैन मेजर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और साइन गैल्वेनोमीटर दोनों को आप स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी कि डज नॉट वर्क ऑन टेंजेंट लॉ। सबसे पहली बात, ये टेंजेंट लॉ पर तो काम नहीं करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल जो होगा वो होगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर बनाया गया है, सॉरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, जिसमें क्या हुआ है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज किए गए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हॉर्स शू मैग्नेट जो काफी स्ट्रांग होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये वर्क करता है। आपको क्या होती है, एक क्वाइल यहाँ पर होता है, ठीक है, और वो क्वाइल अगर आपका इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मतलब परपेंडिकुलर वाला केस आएगा, तो इस क्वाइल पर एक टॉर्क लग जाएगा, और वो टॉर्क जो होगा एक डिफ्लेक्टिंग बिहेवियर का टॉर्क होगा, और उसको बैलेंस कौन करेगा, तो ये जो आपका स्ट्रिप वायर लगा हुआ है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, तो उसमें जो भी इसकी टॉर्शनल प्रॉपर्टी होगी वो उसको बैलेंस करेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, सो देखिए ध्यान से। एज वी नो दैट व्हेन द सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू ए क्वाइल इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू हो जाती है एन आई ए क्रॉस बी। ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, आई वहां पे करंट हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। तो इन मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाता है, ठीक है। तो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जो कि यहाँ पर इस केस में बनाया जाता है रेडियल रहेगा, तो फिर क्वाइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपका आता रहेगा, और उस केस में इतना टॉर्क जो है आपका वो ऑपरेट होता रहेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा इस केस में, और डिफ्लेक्टिंग की वैल्यू हो जाएगी एन आई ए बी, ठीक है। तो ये जो टॉर्क होता है ये डिफ्लेक्टिंग बिहेवियर का होगा, विच इज बींग बैलेंस्ड बाय द रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप ड्यू टू टॉर्शनल कैरेक्टर ऑफ द वायर। वायर का जो अपना टॉर्शनल कैरेक्टर होगा, जैसे किसी चीज को अमेंड देते हैं तो वो वापस सीधा होना चाहता है ना, ट्विस्ट करते हैं तो वापस सीधा होना चाहता है, तो इसको बोलते हैं टॉर्शनल कैरेक्टर ऑफ द वायर विच इज गिवन बाय, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना आपने उसको एंगल से ट्विस्ट किया है। सो इक्वल टू सी इंटू थीटा, जहाँ थीटा हो जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड सी इज टॉर्शनल रिजिडिटी, एक कॉन्स्टेंट होता है जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और फिर आपका ये सी थीटा इक्वल टू एन आई ए बी, सो आई बिकम सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाता है, दो केस में आई वन बाय आई टू इक्वल टू थीटा वन बाय थीटा टू। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आया सी अपॉन एन ए बी, ठीक है। सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, तो सेंसिटिविटी वही हो जाता है, ऊपर में एंगल ऑफ डेविएशन, नीचे चेंज इन करंट, तो थीटा बाय आई आप कर सकते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी। इसमें खास बात क्या हो जाती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ करंट है, तो सेंसिटिविटी जो होती है
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वो करंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये वाला चीज याद रखेंगे, रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दैट इज आई वन बाई आई टू इक्वल टू थीटा वन बाई थीटा टू, ठीक है, थीटा वन बाई थीटा टू। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड सी इज टॉर्सनल रिजिडिटी जो मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो ये करंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी सेंसिटिविटी, और ये जो है मेजर कर सकता है 10^-9 एम्पियर से भी के रेंज की वैल्यू को मेजर कर सकता है, और कैन बी पुट इन एनी डायरेक्शन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है बीएच से, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के में काम कर रहा है, तो बीएच का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। जबकि टेंजेंट को आपको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो था उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना पड़ता था उसके कॉइल को, तब वो काम करता था। तो यहाँ एक बार फिर से इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए, दो हॉर्स शू मैग्नेट लगे होंगे इस तरह से, फॉस्फर ब्रॉन्ज का इसके स्ट्रिप होगा, एक छोटा सा प्लेन मिरर यहाँ पे रख देते हैं ताकि कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ है उसको मेजर किया जा सके, और है ना, उसके बाद उसी ट्विस्ट को आप यहाँ पर थीटा तभी तो रखेंगे, तभी तो आई निकलेगा। तो एक प्लेन मिरर भी लगा सकते हैं, और दूसरे केस में यहाँ पर नीडल भी लगा सकते हैं अगर प्लेन मिरर वगैरह लगाया हुआ है और इस तरह से ये सस्पेंड किया हुआ है, तो इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होगी, मतलब 10^-9 एम्पियर जैसे छोटे छोटे करंट को भी ये मेजर कर सकता है जो कि सस्पेंड किया हुआ है। और दूसरा भी एक टाइप होता है, उसमें ऊपर नीचे आप थोड़ा सा पाइवोट कर देंगे तो पाइवोट टाइप गैल्वेनोमीटर हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी इससे, लेकिन वो भी सेंसिटिव होगा माइक्रो एम्पियर के रेंज में, वो भी मेजर कर सकता है करंट को, ये तो नैनो में कर लेगा सस्पेंडेड वाला। और उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया जाएगा, ठीक है, अंदर में यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जाता है जिसका फंक्शन सिर्फ यही होगा कि यहाँ से जो भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आए वो इस सॉफ्ट आयरन जो होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो रेडियल बिहेवियर का हो जाएगा, सो रेडियल हो जाएगा, और रेडियल कंडीशन जब आप इस कॉइल के साथ सेटिस्फाई करोगे तो आपका ये वाला कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, मतलब कि एरिया फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर के बीच में 90° का एंगल आपको हमेशा मिलता रहेगा यहाँ पे। तो जब वो वाला केस आइडेंटिकल हो जाएगा तो आपका जो टॉर्क लगेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो हमेशा एन आई ए बी के हिसाब से आपका लगता रहेगा, तो एक तरह से आपको ये वाला फार्मूला हमेशा वर्किंग कंडीशन में होगा, और वर्किंग कंडीशन में होगा तो आपका आई ये सारा फार्मूला काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका होता है। तो दूसरा ये हो गया कि अगर आपको मिरर से आपने एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल लिया कि कितना मुड़ा है, और उससे सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी आपकी, और नहीं तो फिर आप इसको पाइवोट कर सकते हैं इस तरह से इधर भी और इस तरह से यहाँ भी, ठीक है। तो पाइवोट करेंगे तो सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम जरूर हो जाएगी, और फिर प्लेन मिरर नहीं लगा रहे हैं तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर एक नीडल लगा सकते हैं, तो ये जितना मुड़ेगा नीडल पे हमको उतना डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा, तो ये जितना भी मुड़ेगा ये नीडल के हिसाब से यहाँ पर आप बता पाएंगे कि वहाँ वो उसमें थीटा की वैल्यू क्या हो गई। तो ऐसा कर देंगे तो ये सस्पेंडेड से हो जाएगा पाइवोटेड, तो पाइवोट किया हुआ है पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको पॉइंटर की जरूरत पड़ी थी तो पॉइंटर तो रहेगा, इसमें मिरर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंटर रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में पॉइंटर की जरूरत नहीं थी, मिरर से हम लोग थीटा निकालते हैं, और इस केस में डायरेक्ट पॉइंटर से ही निकाल लेते हैं, ठीक है, बाकी सारा एलिमेंट तो वही है। तो सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब समझ में आया कि यहाँ पे इसको क्यों यूज किया, ताकि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकले वो इसके थ्रू पास करता हुआ इस तरह से रेडियल वे में ऐसे कर, क्योंकि ये क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है ऐसे, तो ये क्या है? तो इस तरह का जो बिहेवियर हो जाएगा तो वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपका ये कॉइल लाई करेगा, तो आपका ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, जो जो टॉर्क लगेगा इस कॉइल पर वो हमेशा एन आई ए बी के इक्वल होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। और ये फिर से दोहरा दूं मैं कि ये टेंजेंट लॉ पर काम नहीं करता है, कौन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे पहले जो था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और साइन गैल्वेनोमीटर, तो उसके लिए देखिए ये लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये टेंजेंट लॉ है,
इस पर वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले दो काम कर रहे हैं, ये वाला टेंजेंट लॉ पे काम नहीं करता है। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कोई क्वाइल होता है तो उस पर टॉर्क लगता है और वो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की तरह बिहेव करेगा। और उसको बैलेंस किससे करना है हमको, तो टॉर्शनल बिहेवियर वाले जो वायर होंगे जो फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के होते हैं, तो उसके जो ट्विस्ट आएंगे और उसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा ड्यू टू देयर टॉर्शनल बिहेवियर टॉर्शनल कैरेक्टर, तो उससे उसको बैलेंस किया जाएगा। सो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इज टॉर्क रीस्टोरिंग, सो एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा, और फिर वहां से आपका थीटा निकल जाता है, और थीटा तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे, आई निकल जाता है थीटा, और यहाँ आई में रिलेशन आ जाता है, सो आप आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये सब दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं अबाउट डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ। मतलब क्या, बी एक्सटर्नल जो होगा वो बी एच टेन थीटा, ठीक है, और बी एक्सटर्नल किसी वजह से भी हो सकता है, जैसे इस केस में एक छोटा बार मैग्नेट होता है शॉर्ट मैग्नेट, उसकी वजह से होता है एक्सटर्नल। कहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक नीडल पे, कंपास पे। ओके, यहाँ फिगर में आपको जरूर बड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल सेंस में क्या होती है, ये लेंथ बहुत लंबी होती है, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर दो केस लिए जाते हैं, ठीक है, एक टेन ए पोजिशन कहलाता है और एक टेन बी पोजिशन कहलाता है, और इसीलिए मतलब कि ये यहाँ पर एक्सियल पोजिशन पर रखा हुआ होगा मैग्नेट, और दूसरे केस में मैग्नेट के इक्विटोरियल पोजिशन पर आपको यहाँ पर फील्ड की वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्या काम होता है इस मैग्नेटोमीटर का, तो समझिए, इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ, बी एस इक्वल टू बी एस टेन थीटा, एंड इज यूज टू कंपेयर दी मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट अगर आपके पास है तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स को निकालने के लिए या फिर उनको कंपेयर करने के लिए आप इस मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। केस वन, टेन ए पोजिशन, तो इन दिस केस द कंपास नीडल इज कैप्ट एट इंड ऑन पोजिशन ऑफ द मैग्नेट, तो इंड ऑन पोजिशन एक्सियल पोजिशन हुआ, तो ये आर्म्स हो गए मैग्नेटोमीटर के, जिसको ईस्ट वेस्ट रखेंगे, और जो इसमें मैग्नेट्स होते हैं वहाँ पे वो साउथ से नॉर्थ के बीच में आपका मैग्नेट रखा होता है। तो देखिए क्या होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, जो बी एच होगा, वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलेगा, तो साउथ से नॉर्थ की ओर दिखाया गया, और हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर केस वन में टेन ए पोजिशन हो जाएगा, तो इन दिस केस द कंपास नीडल इज कैप्ट एट इंड ऑन पोजिशन ऑफ द मैग्नेट, तो इस केस में कंपास नीडल को आपको इंड ऑन पोजिशन में, देखिए मैग्नेट हो गया, मैग्नेट के इंड ऑन पोजिशन कहने के बदले एक्सियल पोजिशन पर मैग्नेट को रखा गया, यहाँ पे इस मैग्नेट के एक्सियल पोजिशन पे कंपास नीडल को रखा गया, सॉरी तो ये कंपास नीडल है उसको रखा गया। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये एक्सटर्नल जो होगा, यदि देखिए इधर आपका नॉर्थ बनना होगा, फिगर में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सीधा सीधा इधर हो जाएगा बी एक्सटर्नल, और अब क्या होगा, बी एक्सटर्नल की वजह से ये इधर को घूमना चाहेगा, बी एच की वजह से इधर घूमना चाहेगा, कहीं ना कहीं जाकर के ये स्थिर हो जाएगा, तो थीटा एंगल पर मान लीजिए ये स्थिर हो गया, तो इसको थीटा को आप मेजर कर सकते हैं। सो टेंजेंट लॉ के अनुसार ये बी एक्सटर्नल बी एच टेन थीटा, और चूंकि आर इज मच मच ग्रेटर देन एल का नॉर्मली कंडीशन यूज होता ही होता है, तो आप म्यू नॉट 4π 2πm बाय आर क्यू बी एच टेन थीटा उस हिसाब से देख सकते हैं फॉर शॉर्ट मैग्नेट। अब यहीं पर देखा जाए तो म्यू नॉट बाय 4π 2 आर क्यू, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, बी एच कॉन्स्टेंट है, तो आपका ये जो पी एम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। अगर दो मैग्नेट है आपके पास तो फिर आप दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकाल दीजिए, टेन थीटा वन बाय टेन थीटा के रूप में, टेन थीटा वन बाय टेन थीटा टू के रूप में रेशियो निकल जाएगा। आप इसको दूसरे तरह से भी कर सकते थे, है ना, उससे पहले ये समझ लीजिए, अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत रेयर है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन को किताब उताब में सॉल्व करते वक्त कभी दिख गया कि आर और एल जो है वो कंपेरेबल है, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर जो भी एक्सियल का आपको सीधा सीधा फॉर्म बनता है आपको फिर उसको यूज करना पड़ेगा। तो उसमें आप देखिएगा कि जो एक्सियल वाले पोजीशन पर आता है म्यू नॉट 4π 2πm बाय, ये वाला फॉर्म नीचे में आ जाता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर 3/2, और इसको बी एच टेन थीटा के बराबर करना पड़ेगा, यहाँ से आपको पीएम की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, तो रेयर यूज है लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। केस टू क्या हो गया, टेन बी पोजिशन, ठीक है, और हाँ ये चीज क्या हो गया कि यहाँ पे आर्म्स जो हो गए, ये दोनों आर्म्स हो गए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का, वो दोनों ईस्ट वेस्ट रखा हुआ है, दिख सकता है,
और जो आपने मैग्नेट को भी रखा हुआ है, मैग्नेट इज केप्ट ऑल्सो अलोंग ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो उसको भी आपको ऐसे ही रखना है इस तरह से। चलिए 10B पोजीशन में क्या रखते हैं, सो देखिए आप, अच्छा कंपास नीडल को जो रखना होता है ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर तो लगता है मिसप्रिंट है, क्योंकि कंपास नीडल जो आप रखिएगा छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए मैग्नेट हटा देंगे तो इसका नॉर्थ किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ BH के अलोंग जाकर अपने आप को अरेंज कर देगा, तो हम लोग उसको नॉर्थ साउथ लिखना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है, नॉर्थ साउथ पुट करेंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ जैसा दिखेगा वैसा लिखेंगे। अब देखिए केस टू, 10B पोजीशन, तो इन दिस केस द कंपास नीडल इज केप्ट एट ब्रॉड ऑन पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, तो कंपास नीडल को ब्रॉड ऑन पोजीशन मतलब कि मैग्नेट को आपने इन दोनों में से किसी एक इन पे रखना होता है, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना, नीचे में कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप उसको देख सकते हैं जी। तो यही है, एक आर्म इधर हो गया, एक आर्म इधर हो गया, तो इसमें आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको रखना पड़ेगा, और मैग्नेट को जो है आपने यहाँ पे रखा हुआ, ओहो यहाँ पर देखिए, सॉरी इसको फिर से देखिए करेक्ट करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, क्लियरली इन दिस केस द आर्म्स ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर आर केप्ट अलोंग ईस्ट वेस्ट, तो ये आर्म्स हो गए, ये तो सही बात है ईस्ट वेस्ट में रखा हुआ है। दूसरी बात, आप किसके बारे में कर रहे हैं, आप कंपास के बारे में नहीं कर रहे, कंपास तो ठीक है वो तो कैसे भी घुमा के रखिएगा तो वो तो नॉर्थ साउथ अरेंज हो ही जाएगा, लेकिन आप मैग्नेट के बारे में कर रहे हैं ना, एंड मैग्नेट, तो मैग्नेट कहाँ पर है, ये है ना मैग्नेट, तो इसको भी कैसे रखा गया है, इसको भी ईस्ट वेस्ट ही तो रखा गया है, तो ये सही लिखा हुआ था, सॉरी फॉर दैट, ये आपका ईस्ट वेस्ट सही लिखा हुआ था, तो उसको करेक्ट कर लेंगे वो, तो आपका ये आर्म्स भी होगा और ये वाला जो मैग्नेट है, जिस मैग्नेट का पीएम वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना, उसको भी ईस्ट वेस्ट ही रखना था, ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलिए अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आर्म्स को हो गया ऊपर नीचे, देखिए नॉर्थ साउथ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, दाहिने साइड ईस्ट लेफ्ट साइड वेस्ट, और जो मैग्नेट है वो देखिए इस तरह से रखा गया, मतलब ईस्ट वेस्ट, तो मैग्नेट हो गया ईस्ट वेस्ट और आर्म्स हो गए नॉर्थ साउथ, ठीक है, जैसा फिगर में दिखे वैसा लिखना है। चलिए 10B पोजीशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, 10B पोजीशन में यही हो गया, कंपास नीडल इज कैप ब्रॉड ऑन पोजीशन, अब जब इस तरह से रखिएगा तो इसके सेंटर से देखिए यहाँ पर कंपास नीडल है, ये इसके इक्विटोरियल लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पर रहेगा, रहा बी एक्सटर्नल का, देखिए नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी और यहाँ पर ऐसे जाएगी, तो बी एक्सटर्नल उधर हो गया है ना, लेकिन वो क्या हो गया इक्विटोरियल लाइन पर हो गया, और BH की वैल्यू तो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये रहा, और अब अपना ये इक्विलिब्रियम कहीं पर नीडल बताएगा, तो यहाँ पर रखेंगे और इसका इक्विलिब्रियम थीटा खोज लेंगे कहाँ पर है, द आर्म्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर आर अलोंग नॉर्थ साउथ एंड द मैग्नेट इज केप्ट अलोंग ईस्ट वेस्ट, वही लिखा हुआ है फिर से। चलिए तो मैथमेटिकली टेंजेंट लॉ यहाँ भी लगाएंगे, बी एक्सटर्नल बी एस टेन थीटा, अब बी एक्सटर्नल जो होगा ये यहाँ पर अब बी इक्विटोरियल वाला हो जाएगा है ना, जिसको 10B पोजीशन भी बोलते हैं या ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, तो इसमें था इन ऑन पोजीशन, इसमें हो गया ब्रॉड ऑन पोजीशन, तो बी एक्सटर्नल बी एस टेन थीटा, तो बी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4πPm बाई आर क्यू, फॉर शॉर्ट मैग्नेट में तो यही होता है, मतलब इसकी वैल्यू आधी हो जाती है, ये वाली वैल्यू की एक्सीएल जो होती है उसकी आधी वैल्यू हो जाती है इक्विटोरियल वाली, सो म्यू नॉट बाई 4πPm बाई आर क्यू, दिस इज बी एस टेन थीटा, और इसीलिए पीएम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट 4π आर क्यू बी एच ये सब क्या है कॉन्स्टेंट है, तो पीएम प्रोपोर्शनल टू आर थीटा, यहाँ भी 10 थीटा, इसमें भी आप पीएम 1 बाई पीएम 2 करेंगे तो 10 थीटा 1 बाई 10 थीटा 2 आपको दिखाई देगा, आर एंड एल आर कंपेरेबल हो जाएंगे अगर, तो फिर वही बात आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला इसमें चलेगा जो डिस्टेंस लेते हुए उस हिसाब से, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो म्यू नॉट 4πPm बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2 इक्वल टू बी एस 10 थीटा, तो उसको इस्तेमाल कर लेना है ना, और वैसे ये सब बहुत रेयर होगा ये वाला, बट ये वाला सिंपल सा है आपका, इसको इसको यूज कर सकते हैं पीएम 1 बाय पीएम 2 10 थीटा 1 बाय 10 थीटा 2, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहेंगे डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, लैब वगैरह में ये सब का यूज पड़ता है, और मेनली किस काम के लिए यूज होता है, तो पीएम वैल्यू निकालने के लिए है ना, जो मैग्नेट है उसकी डायपोल मोमेंट कितनी है उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और अगर दो मैग्नेट है आपके पास तो उसके डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन भी हो सकता है, दोनों ही केस में एंगल्स निकाल के 10 में रख दीजिए तो 10 थीटा 1 बाय 10 थीटा 2 करेंगे, दोनों केस में किसी भी तरह से आप सजा के कर सकते हैं, तो इन जनरल ऐसे भी लोग करते हैं ऐसे भी करते हैं, और फिर उसके बाद बार बार करके एवरेज निकाल लेते हैं, जो आ गया वही आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो इसमें तो समझाने लायक कुछ खास था नहीं, इसको नोट कर लीजिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब आगे अबाउट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नीट से यहाँ पर क्वेश्चन भी रहते हैं तो ध्यान देंगे।
दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर द कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द टू बार मैग्नेट्स, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं कंपेरिजन करने के लिए, जैसे PM1 बाय PM2 निकालेंगे तो ये किस तरह से क्या काम होता है सो देखिए। जैसा हमें पहले से पता होता है कि अगर हम एक टॉर्सन लेस सिल्क थ्रेड वगैरह ले लें और उससे एक मैग्नेट को लटका देते हैं और इसको अगर आप फ्रीली छोड़ दोगे, जैसे अर्थ के ही मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यहीं पर फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ में जा करके अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन को अटेंड कर लेता है। और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो और छोड़ दो, तो फिर वो क्या करेगा, एक ऑसिलेशन शुरू कर देगा, SHM जो हो जाता है, तो SHM शुरू कर देगा। उस SHM का टाइम पीरियड आपने पढ़ा है 2π√i/PmBh, आई हो जाता है वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बार मैग्नेट, तो वही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। नाउ इफ द मैग्नेट इज स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन देन इट परफॉर्म्स SHM विच टाइम पीरियड इज गिवन एज। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद है, पहले भी प्रूफ किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि T² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I/PM, ठीक है। तो दो मैग्नेट अगर आपके पास है तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक बार एक को आप इस तरह से ऑसिलेट करा लो, फिर एक बार दूसरे को ऑसिलेट करा लो, और उसके बाद इस रिलेशन को देखते हुए आप यहाँ पे लिख सकते हैं T1² / T2² I1/I2 और ये PM नीचे 1 ऊपर 2, ठीक है, इसको देखते हुए। और फिर यहाँ से आप PM2 और PM1 इस तरह से निकाल सकते हो, तो I2/I1 और फिर T1/T2 का होल स्क्वायर इस तरह से आपको आ जाता है, ठीक है। I क्या है, तो I है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बार मैग्नेट। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा बार मैग्नेट का, तो ये एक तरह से क्या होता है, रेक्टेंगल टाइप का होता है ना, और उसको सेंटर से लटकाया गया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर आपको लिखना है तो किसी क्वेश्चन में जब आएगा तो देखना पड़ेगा कि L कितने लेंथ का है। अगर 12 लेते हैं तो चलिए 12, और ये लेंथ आपको ब्रेथ देनी पड़ेगी, ब्रेथ कितनी है, तो इसके हिसाब से ये निकलेगा। तो चूंकि सेंटर के अबाउट जा रहा था तो I हो जाएगा, मान लीजिए इसका मास भी देना होगा M, तो M/12 और यहाँ पर आपको आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये वाले ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको ये लिखना पड़ता है ना, इधर वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस इधर वाली लेंथ का ब्रेथ होगा एक्चुअली, तो ब्रेथ का स्क्वायर और फिर M/12, क्योंकि सेंटर के अबाउट है, तो M/12, ठीक है। तो अगर बहुत पतला है, बी को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं एल के रिस्पेक्ट में, तो फिर आपका वही ML² / 12, चूंकि बी से चलता है तो ML² / 12 हो जाता है, तो वो चीज़ चला आएगा। तो यहाँ पर ये 12 इसलिए मैंने लिया है कि पूरा पूरा लेंथ आपका जो 12 है, अगर इसको आप कैपिटल एल बोल लो तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल एल स्क्वायर, आप फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो ये चीज रहेगा ही। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया में आप सीखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालने के लिए, तो जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको वो किसी और लेक्चर में बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको PM2/PM1 इस तरह से निकाल सकते हैं। T1 T2 क्या है, तो टाइम पीरियड्स हैं। ये जो टाइम पीरियड हुआ, तो आपने एक मैग्नेट को यहाँ पर लटकाया और उसका टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। और उसी तरह से दूसरे चुंबक को लटकाएंगे, दूसरे मैग्नेट को, उसका भी टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो T1 T2 I1 I2 आपको मालूम है, इस फॉर्मूले में रखिए तो आपको कंपेरिजन दिख जाएगा, सिंपल है। और इसमें रखिएगा तो फिर BH की वैल्यू अगर मालूम है तो टी मालूम होता ही है, PM निकल आएगा, है ना। यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, व्हेन बोथ दी मैग्नेट्स आर बाउंड टुगेदर, इस पर बहुत सारा सवाल रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब दोनों मैग्नेट को जो है आप एक साथ बांध देते हैं, मतलब इसको आप सम एंड डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं, तो एक बार इस तरह से बांधना होता है कि दोनों जो मैग्नेट्स हैं आपके उनके पोल एक ही साइड में रहे, सेम साइड में, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ। और एक बार ऐसे बांधना होता है जिसमें इसका पोल अपोजिट साइड में रहे, मतलब नॉर्थ जिधर है दूसरे का साउथ, पहले का साउथ जिधर है दूसरे का नॉर्थ, इस तरह से। अब इसको भी उसी तरह से फ्रीली छोड़ दीजिएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, इसका भी ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे और उसी तरह से इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, T1 हुआ, T2 हुआ। अब इसमें वही देखिए, अब यही वाला क्लियरली, व्हेन मैग्नेट वाइब्रेट विद देयर सिमिलर पोल्स टुगेदर, ये वाला केस, तो आपका जो T1 बन रहा है 2π√under, इसमें जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आएगा तो क्या होगा, I1 + I2 दोनों ऐड हो जाएंगे। और चूंकि साउथ से नॉर्थ आपका होता है डायपोल मोमेंट, तो वो भी देखिए सेम है, पैरेलल है, तो वो भी ऐड हो जाएगा।
सो आई वन प्लस आई टू, और यहाँ पे पी एम वन प्लस पी एम टू, और बाकी बी एच अर्थमेटिक फील्ड में हो रहा है तो बी एच। उसी तरह से टी टू, जब देयर अपोजिट पोल्स आर टुगेदर, तो टू बाई रूट ओवर आई वन प्लस आई टू, और फिर उसके बाद पी एम वन माइनस पी एम टू, चूँकि देखिए इसका सबसे नॉर्थ उधर से इधर आ रहा है, इसका इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ओके, अब फ्रॉम वन एंड टू अगर आप देखिए, तो आप एक चीज़ तो क्लियर चीज़ पता चलता है कि सारा चीज़ सेम है, यहाँ पे बस प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कम हो गया है, तो टी टू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे टी टू आपका ज़्यादा होगा इस केस में, तो टी टू ग्रेटर देन टी वन, एक तो पहले से आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप इनको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके आप डिवाइड कीजिए, आई वन आई टू कैंसिल हो जाएगा, बी एच कैंसिल हो जाएगा, टू पाई कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा आपका यही पी एम वन, एक में प्लस एक में माइनस, तो ऊपर में चला जाएगा माइनस वाला, नीचे आ जाएगा प्लस वाला। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी एम वन और पी एम टू का आप रेशियो निकाल सकते हैं, जो आपको इस प्रकार से आएगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर बाय टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, दिस वाज द रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो क्वेश्चन में आपको टी वन टी टू की वैल्यू दे देता है अक्सर, और इनका रेशियो पूछता रहता है, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ है जो कहलाता है वाइब्रेशन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। तो ये बहुत ही बेसिक थ्योरी सब है, आपको थोड़ा सा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है लगे कि पता नहीं क्या जल्दी जल्दी में हो गया, तो ज़रूरत पड़े तो दोबारा वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ खास है नहीं, पहले का ही जो भी पढ़ा हुआ है उसी को यहाँ अप्लाई किया गया है, तो दो तीन बार अगर देखोगे इसको तो आराम से वो ग्रैप हो जाएगा। इस पार्ट को ध्यान में रखेंगे हम लोग, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस सब पर हम लोग न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट करके रखिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मन लगा के पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।